नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार पर बहनें भाई को ऐसी राखियां भूल कर भी नहीं बांधें जिससे भाई को भारी परेशानियां उठानी पड़ सकती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट बंधन का त्यौहार होता है। बहन भाई को राखी बांधकर अपनी ज़िंदगी में आ रही समस्याओं में सबसे आगे भाई डट कर खड़ा रहता है और उसकी सुरक्षा का उम्मीद लगाई जाती है। दोस्तों, भाई बहन का ये पवित्र त्यौहार इस साल 3 अगस्त 2020 को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक होने के कारण दोस्तों, मार्केट और ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट में रंग बिरंगी राखियां उपलब्ध है। दोस्तों, आजकल इस फैशन के दौर में बहनें भाई को किसी भी प्रकार की फैशनेबल राखियां बांधती है। दोस्तों, ये राखियां ऐसी होती हैं जिससे भाई को कई प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ सकती है। दोस्तों, वैसे तो कई राखियाँ जो होती है वो अच्छी होती है, लेकिन कई राखियाँ ऐसी होती है जो वास्तु शास्त्र के अनुसार उस नज़रिए से देखें तो वो राखियाँ ठीक नहीं होती है बल्कि परेशानी उत्पन्न करने वाली होती है। वहीं दोस्तों, बहुत सारी राखियाँ मिलती हैं लेकिन शायद आप जानते नहीं होंगे कि भाई के लिए राखी खरीदते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। मान्यता है कि कुछ खास किस्म की राखियां भाई के कलाई पर कभी नहीं बांधनी चाहिए, इससे अशुभ फल मिलता है। दोस्तों, अगर कोई बहन इस तरह की राखी अपने भाई को बांधती है तो भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि आखिर रक्षाबंधन पर किस तरह की राखियां अपने भाई के कलाई पर भूल कर भी नहीं बांधनी चाहिए। दोस्तों, मैं बताऊं उससे पहले आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर एक अच्छा सा कमेंट कर दें और दोस्तों इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। सबसे पहली राखी है दोस्तों, काले रंग की राखी। बहनों को अपने भाई की कलाई पर काले रंग की राखी कभी नहीं बांधनी चाहिए। दोस्तों, काले रंग की राखी बांधने से अशुभ समय जो होता है वो शुरू हो जाता है। काला रंग दोस्तों निराशा और दोस्तों कई प्रकार की परेशानियों को बुलाने वाला होता है। काले रंग की राखियां अपने आसपास नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनाए होती है जो उस भाई को सताने लग जाती है और उस भाई को नकारात्मकता नजर आने लग जाती है, इसलिए काले रंग की राखी बिल्कुल भी नहीं बांधे। वहीं शास्त्रों के अनुसार काले रंग का सीधा संबंध शनिदेव से है। शनिदेव जो सूर्य के पुत्र है और न्याय के देवता माने जाते हैं। शनिदेव को कार्य में विलंब करने वाला ग्रह माना जाता है, यानी कि किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले देव भी शनिदेव को कहते हैं। तो दोस्तों, जब आप अपने भाई को राखी बांध रही होती है तो शनिदेव से संबंधित भी अपने भाई को समस्या आ सकती है। ऐसे में रक्षाबंधन पर काले रंग की राखी भूल कर भी नहीं बांधनी चाहिए। दूसरी है टूटी या फिर खंडित राखी। रक्षाबंधन पर बहनों को भाई की कलाई पर टूटी या खंडित राखी नहीं बांधनी चाहिए। दोस्तों, जब राखी जो होती है, आजकल फैशन के दौर में कई प्रकार की राखियां आती है, जो बहन वो राखी लाकर घर पर भाई को बांधती है उससे पहले ही कई ऐसी राखियां होती है जो टूट जाती है और वो किसी भी प्रकार की उसके काम में नहीं आती है। ऐसी स्थिति में ऐसी राखियों से हमें दूर ही रहना चाहिए। ये राखियाँ हमें नुकसान ही पहुँचाती है और बहनों को भी विशेष रूप से ऐसी राखियाँ खरीदनी ही नहीं चाहिए। अगली राखी है दोस्तों, प्लास्टिक की राखी। भाई की कलाई पर प्लास्टिक की राखियों को कभी नहीं बांधना चाहिए। दोस्तों, प्लास्टिक जो होता है वो अशुद्ध चीज़ों से मिलकर बना होता है। प्लास्टिक कई बार दोस्तों रिसाइकिल प्लास्टिक भी होता है, जिसमें उस प्लास्टिक को दोबारा यूज, चाहे वो पन्नी हो या किसी भी प्रकार की जो प्लास्टिक होती है, वे प्लास्टिक इकट्ठा करने वाले इकट्ठा करके वो फैक्ट्रियों में पहुंचाते हैं और वहां से उस प्लास्टिक का रिसाइकिल होकर उन गंदी गंदी प्लास्टिक से राखियां बनती है। ऐसे में प्लास्टिक बांधने से जीवन में दुर्भाग्य की शुरुआत हो सकती है।
इसलिए जीवन में दुर्भाग्य से बचने के लिए दोस्तों भाई को प्लास्टिक की राखियां भी भूल कर भी नहीं बांधनी चाहिए। अगला है दोस्तों अशुभ चिन्हों वाली राखी। अक्सर लोग राखी खरीदते वक्त डिजाइन, फैशन या फिर अशुभ चिन्हों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन दोस्तों रक्षाबंधन पर कभी भी भाई के कलाई पर अशुभ चिन्हों वाली राखी नहीं बांधनी चाहिए। दोस्तों आजकल क्या है, डेविल की जो आकृति, भूत प्रेतों की आकृति और जो मुंडी होती है, मुंडी की आकृति के कई सारी राखियां आती है, ऐसी राखियों को बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए और ऐसी राखियों को भाई की कलाई पर नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भाई का अशुभ समय जो होता है वो शुरू हो जाता है। अगली राखी है दोस्तों भगवान वाली राखी। भाई दोस्तों भाई की कलाई पर भगवान वाली राखी भी नहीं बांधनी चाहिए। इसके पीछे का कारण है दोस्तों कि अगर राखी खुलकर ज़मीन पर गिर जाती है और किसी के पैरों पर पड़ सकती है, जिसके कारण अनजाने में भाई को पाप का भागीदार होना पड़ता है। वहीं दोस्तों राखी जब हम बांधते हैं तब वो राखी हमारा हाथ जो है दोस्तों कहीं पर भी होता है, हम हाथों द्वारा खाना भी खाते हैं, किसी भी प्रकार के हाथों द्वारा हम कार्य करते हैं, उस वक्त भगवान के चिन्हों के साथ गंदगी लगती है और उस गंदगी से जो है वो कई जो हमें परेशानियां उठानी पड़ सकती है। इसीलिए इस चीज़ का भी हमें खास ख्याल रखना चाहिए और ऐसी जो राखियां हैं वैसी राखियां बांधने से बचना चाहिए और विशेषकर ख्याल रखना चाहिए खरीदते वक्त भी कि हमें ऐसी राखियां नहीं लानी है। वहीं दोस्तों अब मैं आपको रक्षाबंधन पर शुभ मुहूर्त, जिस पर भाई की कलाई पर राखी बांधी जाती है, उस मुहूर्त के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों इस साल रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, साथ ही एक खास योग भी बन रहा है, वो है दीर्घायु आयुष्मान योग के साथ साथ सूर्य और शनि देव के सम सप्तक योग, सोमवती पूर्णिमा और मकर का चंद्रमा श्रवण नक्षत्र, उत्तराष्ट नक्षत्र और प्रीति योग बन रहा है। दोस्तों ये मास संयोग बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष लाभ प्रदान करने वाला है। इस मास संयोग पर खास और शुभ मुहूर्त पर अपने भाई के हाथों में है उनकी कलाई पर जो है वो राखी बांधें तो आपको बेहद ही जो है लाभ प्राप्त होता है और भाई की आयु भी बढ़ती है। दोस्तों इस संयोग को इससे पहले ये 1991 में बना था। इस संयोग को कृषि क्षेत्र के लिए भी विशेष फलदायी माना जाता है। दोस्तों अब जो है वो राखी रक्षाबंधन से पहले जो है वो जब राखी बांधने का मुहूर्त क्या है वो जान लेते हैं। दोस्तों रक्षाबंधन के दिन सुबह 9:27 पर जो राखी बांधने का मुहूर्त शुरू हो जाएगा, जो कि दोस्तों 11:45 तक रहेगा। वहीं दोपहर में दोस्तों 1:45 से शुरू होकर यह मुहूर्त शाम को 4 तक रहेगा और ये उसके बाद ये शाम को 6 से लेकर ये 8:30 तक राखी बांधने का मुहूर्त रहेगा। तो इस रक्षाबंधन पर ये मुहूर्त बेहद ही शुभ मुहूर्त है। ये राखी जो है दोस्तों ये कई वर्षों से पुरानी राखी है और इस राखी पर भगवान स्वयं श्री कृष्ण और द्रौपदी का अटूट रिश्ता भी जो है वो सामने आता है, उससे जुड़ी बेहद ही खूबसूरत कथा है और किस तरह भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की इज्जत बचाते हैं और द्रौपदी की रक्षा के लिए स्वयं खड़े हो जाते हैं। तो ये राखी भाई और बहन के अटूट प्यार, सुरक्षा और एक दूसरे के प्रति मान सम्मान और इज्जत का त्यौहार है। इस त्यौहार पर आप अपने भाई को सही और विशेष राखी बांधकर उनकी दीर्घायु की कामना भी जरूर करें। और दोस्तों लाइव फोकस चैनल की तरफ से आप सभी बहनों और भाइयों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करूँगा कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हो और आप लोगों को इससे फ़ायदा मिले। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं।
इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।